गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब की जय। वंदनीय संत समाज, उपस्थित निर्छिर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामति देवियों, आज कबीर आश्रम में 5 महीना से शुरू हुआ है, दिसंबर से मासिक सत्संग। मासिक सत्संग होना है तय हुआ, और हर महीना के पहले तारीख को उपस्थिति हो रही है। सत्संग का लाभ भी मिल रहा है और सेवा का भी लाभ मिल रहा है। सोचा गया कि सत्संग तो होता है, लेकिन 12 महीना में भारतीय दर्शन में एक से एक महापुरुष का जीवन, जन्म और निर्वाण के रूप में आया है, और उसे हम नहीं जानते। उनके जीवन और दर्शन को, लेकिन हम सबके लिए वरदान स्वरूप सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब का जीवन मिला, और उनके सानिध्य में रहने का अवसर भी मिला। साथ साथ उस महापुरुष के द्वारा भारतीय और पाश्चात्य महान पुरुषों के जीवन दर्शन पढ़ने को, समझने को मिला। यदि सद्गुरु अभिलाष साहेब के जीवन आज इस प्रकार से न हुआ होता चिंतन की गहराई में, तो हम भी नहीं जान पाते। सद्गुरु कबीर के बाद आज 600 साल हो गया, पारख सिद्धांत ही नहीं, पारख सिद्धांत तो सद्गुरु कबीर साहब से ही शुरुआत है। सद्गुरु श्री पूरन साहेब बुरहानपुर में 150 साल से पूर्व पहले हुए हैं। कुछ लोग पारख सिद्धांत को बुरहानपुर से ही मानते हैं, लेकिन पारख सिद्धांत सद्गुरु कबीर से के बाद श्री राम रहस्य साहेब, ये संसार पारख सिद्धांत के महापुरुषों का जो चित्र है, इसमें पारखी संतों का ही चित्र है पारख सिद्धांत के। और सद्गुरु कबीर साहब के बाद से आज तक चले आया है, लेकिन सभी संतों ने सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को चिंतन किए, विचार किए, और सद्गुरु कबीर ने क्या कहा है उसे समाज के बीच में रखे। लेकिन सद्गुरु श्री अभिलाष साहब ने, कबीर साहब तो उनका तो है ही, और कबीर साहब के शरण में आने के बाद
उन महापुरुषों के चिंतन किए, भारत में महाराज राम और महाराज कृष्ण के नाम एक अद्वितीय महापुरुषों में। इतना ही नहीं, बुद्ध और महावीर का जीवन दर्शन, इतना ही नहीं उनके द्वारा पाश्चात्य महापुरुषों का भी जीवन दर्शन, सभी का चिंतन हुआ। तो सद्गुरु श्री विलास साहेब के द्वारा राम कौन थे, राम का जीवन दर्शन कैसा था, केवल हम लोग कबीर के राम, आत्मा राम है, उस पर ही हम सब न जाएं। सद्गुरु कबीर उस नाम को लिए जो लोकप्रिय है समाज में, वह अंतर राम है। लेकिन महाराज श्री राम दशरथ सुवन है, राजा दशरथ के पुत्र इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। चार भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तीन माताओं के द्वारा पैदा हुए। साहेब के रामायण रहस्य, मानस मणि और इस संसार के महापुरुषों में उनका नाम जो दिया गया है उसके द्वारा जानकारी मिली, और साहेब जी के विचारों के द्वारा। तो महाराज दशरथ है, उसका बुढ़ापा था, उसका कोई संतान नहीं था। तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा बहुत दुखी था, सलाह दिए कि ऐसे समय में राजवंश कैसे चलेगा। तो राजा दशरथ ने को सलाह देने के बाद पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाए, और पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए ऋष्य श्रृंग को बुलाया गया। उनके द्वारा हविष्य के रूप में खीर पैदा हुआ, और खीर को तीनों रानियों को दिया गया। वो खीर खाने के बाद तीनों रानी का गर्भ हुआ, और तीनों रानी के द्वारा समय आया तो संतान हुआ माँ कौशल्या से राम का, कैकेयी से भरत का, और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और कहा जाता है रामनवमी इसी महीना में पड़ता है, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को राम जयंती मनाया जाता है। और यह पर्व हमारे आश्रम इलाहाबाद में भी मनाते हैं, और सत्संग और भजन राम के बारे में ही चिंतन मनन होता है। सभी संत गुरुजन राम का ही, और उसी दिन होता है। लेकिन कबीर आश्रम सकरी में आज नवमी नहीं है, आज से 10 दिन बाद में होगा, 14 तारीख को, 10 तारीख को होगा, रविवार को। लेकिन राम नवमी के विषय में आज चर्चा क्यों है, लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये आश्रम शहरी क्षेत्र नहीं है, किसी तरह से तो बुद्धिजीवों के चिंतन से यह मासिक सत्संग शुरू हुआ, और बीच बीच में हम सत्संग छेड़े
तो मुश्किल है आना। शहरी क्षेत्र में तो आ जाते हैं, छुट्टी होती है, शासकीय छुट्टी होती है, लेकिन देहात में कठिन हो जाता है। इसलिए सोचा गया कोई भी महापुरुषों का निर्वाण या जन्म किसी भी महीना में होता है उसके पहले तारीख को मनाना चाहिए। तो आज रामनवमी के उपलक्ष्य में आज का सत्संग है और महाराज राम का जीवन दर्शन महान है। किसी भी व्यक्ति के महानता को हमें चिंतन करना चाहिए, विचारना चाहिए। राम कैसे थे? राम समुद्र के समान गंभीर, पर्वत के समान धैर्यवान, विष्णु के समान बलवान, चंद्रमा के समान प्रियदर्शन, कालाग्नि के समान क्रोधवान, पृथ्वी के समान क्षमावान, कुबेर के समान त्यागी, स्वस्थ सुंदर विद्वान, नीति निपुण, सर्वगुण संपन्न राम में है। राम का जीवन दर्शन जानना चाहें तो सद्गुरु श्री रविदास साहेब के जो पुस्तक है रामायण रहस्य, उसको आप विधिवत पढ़ सकते हैं। तर्कपूर्ण चिंतन उसमें दिया गया है। राम का ऐतिहासिक पुरुष राम और कृष्ण है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महादेव इसको ऐतिहासिक महापुरुष नहीं माना गया है, इसको देव माना गया है, देव कोटि में। लेकिन ये राम और कृष्ण महापुरुष थे, हमारे पूर्वज थे राम और कृष्ण, और उनके जीवन और दर्शन महान हैं। उसकी महानता को हम सब चिंतन करें, भाई भाई के साथ में, माता पिता के साथ में, पति और पत्नी में, प्रजाओं के साथ, सबके साथ राम का जीवन कैसे था चिंतन करें। राम का वनवास होता है, राम का ही हुआ है, लेकिन साथ में लक्ष्मण चले गए, सीता भी चली गई, तो उसको पीछे कितना समर्पित हो करके भरत भी राम को मनाने जाता है, राम नहीं लौटता है, तो भरत भी 14 वर्ष तक तप करते हुए राजकाज संभाला, लेकिन राजगद्दी में नहीं बैठा। भाई के लिए कितना समर्पित है भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक माँ के पुत्र नहीं, लेकिन समर्पण की भावना कितना अद्वितीय है, चिंतनीय विषय है, खोज करने विषय है। जब वापस 14 वर्ष के वनवास से वापस आते हैं तो राम के मन में माता कैकेयी के प्रति जरा भी द्वेष भावना नहीं। जब आए, प्रजा लोग तैयारी किए थे, क्या तैयारी किए थे, राम जब आएंगे तो कौशल्या माता के भवन में पहले जाएंगे, नहीं, राम के मन में क्रोध की भावना नहीं, द्वेष की भावना नहीं, पहले वह मिलन माता कैकेयी से करते हैं। और कैकेयी से ही नहीं, जब माता कैकेयी के दरवाजे में जाते हैं तो पहले मंथरा से करते हैं, तब कैकेयी से करते हैं। राम का हृदय कितना विशाल है, उनके मन में जरा भी द्वेष की भावना नहीं। चिंतन करें, राम के गुणों से हम सब सीखें और समझें। भाई के साथ कोई शत्रुता नहीं, माता कैकेयी के साथ कोई शत्रुता नहीं, माता
किसी के साथ में कोई शत्रुता नहीं। ऐसे महाराज राम पृथ्वी के समान धैर्यवान थे, सहन शक्ति उसमें कितना अप्रबल था, चिंतन करने योग्य विषय है। इसलिए यदि जीवन में सुखी या स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, राम के जीवन दर्शन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। केवल रामायण से नहीं, गोस्वामी जी के मानस है, रामायण है, वही ही है, और रामायण नहीं, ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी जी के अलावा कई रामायण हैं, और सभी रामायणों का तुलनात्मक अध्ययन सद्गुरु अभिलाष साहेब के द्वारा हुआ है और रामायण रहस्य में हुआ है, उसे पढ़ना चाहिए। हर कबीरपंथी को भी पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आज महाराज राम के जीवन और दर्शन पर हम सबको गंभीर चिंतन करना चाहिए, उनका जीवन दर्शन कैसा था। त्याग, अपरबल त्याग, त्याग में कोई कमी नहीं, तपस्वी जीवन, एक व्रती राम, माँ सीता के अलावा कोई दूसरे नारी से उनका कोई प्रकार से, जब वापस आते हैं तो राम राज होता है, उसके बाद सीता निष्कासन हो जाता है। सीता निष्कासन के बाद में कहा जाता है कि यज्ञ होना चाहिए, तो यज्ञ की तैयारी करते हैं। राम से कहा जाता है, प्रभु आपके साथ में आपके अर्धांगनी चाहिए, लेकिन माँ सीता को तो निकाल दिए हैं, दूसरा नारी नहीं चाहिए, सोने का सीता बनवा करके वहाँ रख दिए, लेकिन दूसरे नारी नहीं। अटूट त्याग राम के जीवन में। तो हर मनुष्य को आलोचना में नहीं होना चाहिए, राम सबके हृदय में है, वो अध्यात्म रामायण के अनुसार है, लेकिन व्यवहार कहा जाता है शरीर और आत्मा, प्रकृति और पुरुष दो है, और दोनों की जानकारी करने की आवश्यकता है। प्रकृति या शरीर है, पांच तत्वों का बना हुआ है, और पांच तत्वों के शरीर में पंच विषय है, पंच विषय के लिए पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पांचों विषय का आसक्ति जो हो जाती है वो अप्रबल होता है, उसे छोड़ना कठिन होता है। तो अंदर के जो राम है वह बहुत दुख पाता है, जब तक से इसी को कहा गया उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा है, आत्मा को दुख के कारण क्या है, आत्मा को दुख के कारण क्या है, आत्मा ये शरीर धारण किया है और शरीर धारण करके जीवन जी रहा है, तो शरीर के द्वारा पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और ये पांच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा पंच विषय हैं, तो पंच विषयों को उपभोग करता है, तो पांच ज्ञानेंद्रिय ग्रह है और पंच विषय अतिग्रह है। तो जिन जिन विषयों को हमारे इंद्रियां पकड़ लेती है उन विषयों को पुनः नहीं छोड़ पाती है, तो उसी के कारण से यह हमारे अंदर में जो बसा हुआ रमैया राम चेतन आत्मा है वह दुखी होता है, पीड़ित होता है, और जब तक से उसकी आसक्ति को छोड़ेगा नहीं तब तक से उसका दुख का अंत भी नहीं होगा। आप लोग संसार के महापुरुष, ये महापुरुष संसार के महापुरुष है, सद्गुरु श्री विलास साहेब जी के
द्वारा लिखा हुआ है। इसमें पहला प्रकरण है अगस्त का और दूसरा है महर्षि कपिल का। महर्षि कपिल आदि मानव माना जाता है और महर्षि कपिल उनके परिवार में मात्र तीन ही सदस्य थे। तीन सदस्य, महर्षि कपिल को ज्ञान हो चुका था प्रकृति और पुरुष का, आत्मा और परमात्मा का, और संसार के दुख को बचपन से देख रहा था और दुख को देख करके अखंड वैराग्य हो गया और प्रकृति से हट करके पुरुष चेतन आत्मा में उसके चित्त जुड़ गया। उसको देखा उसके पिता ने, उसका पिता का नाम है कर्दम। कर्दम ऋषि है, पुत्र कपिल के अखंड त्याग वैराग को देख करके वह भी वैसा ही वैरागी हो जाता है, वैरागी हो जाता है। जब पिता को वैरागी हो गया, सब कुछ को त्याग दिया, तो माता ने सोचा अब मेरा क्या होगी। तो माता देवहूति है पुत्र कपिल के पास जाकर के कहता है, बेटा कपिल मुझे भी शांति चाहिए, आप तो शांति के पथ में लग गए, तुम्हारे पिता भी अखंड वैरागी हो गया, वह भी प्रकृति भिन्न पुरुष में आत्मा में चित्त को जोड़ दिया, लेकिन बेटा कपिल ये मेरा मन और इंद्रियां हैं विषयों की तरफ निरंतर झुकी है, मैं विषयों से कैसे विमुख हो जाऊं, मैं अपने आप के कल्याण कैसे करूं। माता देहूति कहती है, माता देहूति के को फिर महर्षि कपिल है उसे आत्मज्ञान देता है, प्रकृति भिन्न भिन्न पुरुष का बोध कराता है। बोध कराने के बाद में माता के अंदर में पुत्र और माँ के ममता बना रहा महर्षि, माता देहूति के अंदर में। महर्षि कपिल ने देखा माता के अंदर में मेरे लिए पुत्र की भावना है, ये पुत्र की भावना को भी समाप्त करना है। महर्षि कपिल कहता है, माँ मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जाओ। कुछ काल व्यतीत करके महर्षि कपिल आता है तो माता देवहूति कहती है, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, मेरे गुरु आ रहे हैं, उनके लिए सेवा के लिए जल भोजन आदि सब व्यवस्था करती है और उनसे आत्मज्ञान पाती है। तब महर्षि कपिल है उसे आत्मज्ञान देता है। तो महर्षि कपिल कुछ दिन के बाद कहता है, माँ मैं तुम्हारा पुत्र कपिल हूँ। तब माँ कहती है, देवहूति कहती है, बेटा आप मेरा गुरु हैं, आप मेरे पूज्य हैं, आप मेरे देव हैं, न मैं किसी की माँ हूँ, ना आप किसी के पुत्र हैं, आप मेरे गुरुदेव हैं। तो इस प्रकार से कपिल के द्वारा आत्मज्ञान और वैराग्य उसके पिता कर्दम को और उसके माँ को भी हुआ और तीनों अध्यात्म में लग करके वो आत्मज्ञानी हुए और जीवन मुक्त हुए। ये राम अलग है, ये कबीर के राम, कपिल के राम ये अलग है, लेकिन हम लोग आज जो मना रहे हैं ना, वो राम जन्मभूमि दशरथ सुवन है, जो जीवन में रह करके किस प्रकार से माता के साथ, पिता के साथ, भाइयों के साथ, प्रजाओं के साथ, पति और पत्नी में, ऋषि मुनियों के साथ कैसा जीवन, उसका जीवन दर्शन था, वैसा जीवन दर्शन खोजना ही मुश्किल है, मिलना ही मुश्किल है। ऐसे एक अद्वितीय महापुरुष जो हुए हैं इक्ष्वाकु वंश में, राजा दशरथ के सुवन, कौशल्या के नंदन, ऐसे महान पुरुष का आज जयंती मनाई जा रही है, जो राम नवमी के उपलक्ष्य में इस महीना में मनाए रहे हैं। तो वह राम नवमी के दिन आज नहीं है, तो उस दिन हम बुलाएंगे तो आप सब आएंगे नहीं, लेकिन अपने अपने घर में
रामनवमी के उपलक्ष्य में राम कौन थे, कैसे थे, उनका जीवन कैसा महान हुआ, अपने परिवार के बीच में चिंतन करना चाहिए। अपने परिवार में भाइयों के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, सबको गृहस्थ धर्म में रह करके भी चिंतन करना चाहिए। और विरक्त आश्रम में भी तो होता ही है, राम के जीवन दर्शन को मानना चाहिए। उसी प्रकार से अगले महीना में 1 मई, आज तो 1 अप्रैल है, 1 मई को बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा। बुद्ध के जीवन दर्शन कैसा था, आप लोग बुद्ध क्या कहते हैं, पुस्तक है सदगुरु शिव विलास साहब के लिखा हुआ, उसको आप लोग चिंतन करिए। तथागत उसी का नाम है, जैसे आया वैसे गया, जैसे सदगुरु कबीर ज्यों के त्यों धरी दीनी चदरिया, साहेब कबीर जतनते ओढ़ी ज्यों के त्यों धरी दीनी चदरिया। उसी प्रकार से सदगुरु श्री विलास साहेब के लिए एक अद्वितीय महापुरुष के रूप में हुए हैं तो महात्मा बुद्ध तथागत हुए हैं। और पारख सिद्धांत में सदगुरु कबीर के बाद उनके लिए उनके पूज्य गुरुदेव श्री राम सूरत साहेब तो थे ही, उनके अलावा उनके लिए सदगुरु विशाल देव के जीवन दर्शन महान। और पारख सिद्धांत के जितने भी महापुरुष है उनके जीवन में, उनके हृदय में बसा हुआ था। तो इस प्रकार से अगला पर्व होगा तो 1 मई को बुद्ध जयंती के रूप में, बुद्ध जयंती 14 मई को मनाया जाएगा, लेकिन हम लोग आश्रम में 1 मई को मनाएंगे। उस समय आप सब अधिक से अधिक संख्या में आएं और बुद्ध के जीवन दर्शन पर अध्ययन करके आएं। अपना समय 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट जितना दे सकें उतना ही दे, सबको अवसर देना है।